अगर अभी तक आपने सोलापुर नामा को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज अभी सब्सक्राइब करें। मैं एक चीज आपकी मौजूदगी में यहाँ की पब्लिक को बोलना चाहूंगा कि लास्ट टाइम जब आप यहाँ पर आए थे, इलेक्शन का माहौल था, आपने मुझे यहाँ पर उम्मीदवारी दी 2019 के एमएलए इलेक्शंस में, तब आपकी दुआओं से, आपकी मेहनत से अल्हम्दुलिल्लाह मैं सोलापुर की तमाम पब्लिक का, ये मौका मुझे नहीं मिला था, ये सबसे बड़ा स्टेज है, उसके बाद मैं जहाँ पर आज भाषण कर रहा हूँ सदर साहब के सामने, तो मैं सदर साहब के सामने मैं तमाम सोलापुर की जनता का बहुत बहुत दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ जिन्होंने मुझ जैसे नाचीज को 38,721 वोटों से नवाजा। मैं ये बोलना चाहूंगा भाई, आप लोग ने खरीद लिए मेरे, यकीन मानो या मत मानो मैं आपके कर्ज तले डूबा हुआ हूं और अल्लाह से ये दुआ करता हूं कि अल्लाह पाक जब तक मेरी सांस है मुझे इस लायक बनाए रख, इस लायक बना दे कि मैं आप लोगों का एक कर्जा उतार सकूं, उससे पहले मेरे को माफ करिए। आप लोगों की जो मोहब्बत थी, मैं नया नया उम्मीदवार था ना, मैं आप लोग से इतना वाकिफ था ना आप लोग मुझसे इतना वाकिफ थे। मैं ये बोलना चाहूंगा सदर साहब, ये सोलापुर शहर में ये मजलिस की जो मोहब्बत है, ये MIM पार्टी की जो मोहब्बत है, ये मोहब्बत की वजह से ही फारूक शादी आज फारूक शादी बना है, ये लोगों के प्यार की वजह से ही हमारे से पहले भी जो थे वो जो जो बनना था बन गए। ये गलत फहमी किसी को नहीं होना चाहिए कि हमारी वजह से पार्टी है, ये आप लोग हो गए, ये पब्लिक है, ये बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब की मेहनत है, अकबरुद्दीन ओवैसी साहब की मेहनत है, उनका काम है, जिसकी वजह से हम जैसे नाचीजों को आप लोग पसंद करते हैं। तो माशाल्लाह ये बड़ी खुशी की बात है कि आज शहर सोलापुर में हमारे सदर साहब के कदम बड़े हैं। मैं अक्सर मुलाकात करता था, साहब हमेशा मुझसे सोलापुर के बारे में पूछते रहते हैं, तो मेरे को एक यकीन तो ये है कि हमारा सोलापुर शहर साहब के दिल में बसता है माशाल्लाह। तो हमारा भी ये फर्ज है ना भाई कि साहब के करीब जो शहर है उस शहर में मजलिस का परचम हमेशा ऊंचा लहराता रहे हमेशा। तो उसके लिए हम लोगों को क्या करना पड़ेगा, पतंग अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ऊंची उड़ रही है, पतंग की उड़ान देखकर दूसरों की हवा भी टाइट हो गई है, और आज सदर साहब और हमारे लिए बोनस इम्तियाज जलील साहब भी यहां पर है, तो कल से तो माहौल बदलने वाला है। अब तक जो हमारे टैली था, जो फिगर था आने वाले कॉर्पोरेशन इलेक्शन का, कल के बाद हम वो जो भी थे उसके दुप्पट हो गए इंशाल्लाह। तो इसके लिए हम लोगों को मेहनत करना पड़ेगा, साहब मेहनत कर रहे हैं, साहब की टीम मेहनत कर रही है, हम सबको मिलकर ये जो कार्यकर्ता मेला हुआ है, अभी मैं उस मुद्दे पर आता हूँ। मैं तमाम आप लोगों से ये बोलना चाहता हूँ कि अभी आने वाले कुछ महीनों में कॉर्पोरेशन इलेक्शन है, और हम कॉर्पोरेशन इलेक्शन हो, MLA इलेक्शन हो या जो भी इलेक्शन हो, हम सिर्फ गर्दी करके या शोर शराबा करके नहीं जीत सकते। जैसे कि डॉक्टर गफ्फार कादरी साहब ने बताया, हमको एक नियोजनबद्ध तरीके से प्लानिंग के साथ काम करना पड़ेगा। सर आपने बोले वार्ड कमेटियों का गठन करना है, तो इंशाल्लाह हम लोग रुके हुए, हमारी सारी सेल्स एक्टिव है, हम लोग रोज माशाल्लाह कुछ ना कुछ कर रहे हैं, लोगों की यानी विरोधी पार्टियों की नाक में दम तो कर चुके हैं हम लोग। तो अभी आने वाले टाइम में हम लोग रुके हुए हैं सर के वार्ड रचना होने वाली है, तो एक मरतबा अगर वार्ड रचना होगी तो मुझे ये मेरी बैठी हुई टीम पर पूरा भरोसा है, फारूक शास्त्री को हैरान हुए बिना ये लोग सारी चीजें कर देंगे। वार्ड रचना होने के बाद हम वार्ड कमेटियों का गठन करेंगे, बूथ अध्यक्ष बनाएंगे, बूथ के मेंबर्स बनाएंगे, और डॉक्टर साहब उस टाइम पर भी हम आपको दावा देंगे इंशाल्लाह। इस हॉल में सिर्फ हमारे सोलापुर शहर के जितने भी बूथ से वो बूथ के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष रहेंगे, और इससे भी ज्यादा पब्लिक उसके उस प्रोग्राम में आपको दिखेगी। इलेक्शन तो लड़ना है,
और बहुत ताकत से लड़ने वाले हैं। ये मैं आज डिक्लेयर कर रहा हूँ, आने वाला कॉर्पोरेशन इलेक्शन ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन पार्टी बहुत ही ताकत से लड़ेगी, और अगर आप लोगों का साथ रहा और दुआएं रही तो उस ताले की चाबी सिर्फ एमआईएम के पास ही रहेगी और कुछ सोचने की जरूरत नहीं। मैं जितने भी इच्छुक उम्मीदवार हैं उन लोगों से भी ये गुजारिश करता हूं कि ज्यादा से ज्यादा लोगों में रहें, पब्लिक में जाकर अपना काम करें। और आज सदर साहब के सामने एक बात बोलना चाहूंगा मैं, देखिए उम्मीदवारी एक ही होती है, इच्छुक की गर्दी बहुत रहती है। माशाल्लाह सर हमारे पास भी बहुत सारे एक्सपीरियंस है उम्मीदवारों की गर्दी है, तो बहुत ही हिम्मत से काम लेना है। और जो भी जिसको भी उम्मीदवारी मिलती है हम सबको उस उम्मीदवार को कैसे जिताना है, आपको ये देखना है कि हमारे लिए कोई इंसान नहीं है सामने, हमारे लिए मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन पार्टी है। हमको असद साहब का मुंह देख के वोटिंग करना है और मजलिस के उम्मीदवारों को कामयाब कराना है। कहीं पर भी आप लोगों को डरने की जरूरत नहीं है, हम हर हिसाब से सक्षम है हर चीज से निपटने के लिए। आप लोग बड़ी हिम्मत के साथ बड़े हौसले के साथ मजलिस का साथ दीजिए। आखिर में बस मैं सिर्फ ये बोलना चाहूंगा 2023 कि मुझे अपना भाई समझ के मौका देना भाई। मैं कोई नेता वेता नहीं भाई, मैं पॉलिटिक्स करने नहीं आया हूं। मेरी कोशिश यही है जो सदर साहब ने सिखाए हैं कि हम में से लीडर पैदा होना चाहिए, हमारी कैडर मजबूत होना चाहिए। आपने देखे होंगे आज से पुराने जो भी थे सब जैसा चलता था क्या हुआ है। मैं भी मानता हूं हमारी पार्टी की भी कुछ गलतियां हो सकती है, कहीं ना कहीं हम भी चूके होंगे, लेकिन इस बार नया दौर नई शुरुआत करने के हिसाब से एक बार फारूक शादी पे भरोसा करिए। फारूक शादी जिन लोगों को चुनकर आपके बीच में भेजेगा उनको कामयाब करिए, ये मैं जिम्मेदारी लूंगा इनके जीतने के बाद कि ये लोग काम करते हैं या नहीं करते हैं। और अगर नहीं करते हैं तो फारूक शांति बड़ी जिम्मेदारी के साथ ये चीज आज आप सबके सामने बोल रहा है कि वो मेरा फर्ज होगा, मेरी जिम्मेदारी होगी, आप मुझसे पूछ के काम करा के ले सकते हैं इंशाल्लाह। लेकिन उसके लिए आप लोगों को एक मरतबा भरोसा करना पड़ेगा और भरोसा करके हम लोगों को जिताकर कॉर्पोरेशन इलेक्शन है उस्मान नगर पालिका में भेजना पड़ेगा। अल्लाह ने चाह ये फाउंडेशन है ये मजबूती के साथ खड़े करेंगे हम लोग, उसके बाद 2024 में तुम्हारा भाई इस फाउंडेशन पे बहुत ऊंची इमारत खड़ी करेगा। बहुत बहुत शुक्रिया आप लोग सब यहाँ पर आए, जितने भी नए नए पार्टी में शुमार हुए हैं मैं उनको भी उनका स्वागत करता हूँ, उनका शुक्रिया अदा करता हूँ। और लोग बोलेंगे कोई बड़ा बड़ा चेहरा तो दिखा नहीं आज प्रवेश करने में, ये बड़े चेहरे नहीं है हमारे पास, लेकिन बड़े काम के चेहरे है हमारे पास। जो काम करने वाला है वो मजलिस में आएगा, जो बड़ा नाम है वो काम ही गया, उनको कोई फर्क नहीं पड़ता। आप लोगों का दिल से शुक्रिया, बहुत 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 शुक्रिया।